कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों हम आए हुए थे उज्जैनी, उज्जैनी के पास से हम घर जा रहे थे कासगंज होते हुए, तो हमें एक रास्ते में एक बाग मिला था। बाग में भी जो खजूर के पेड़ आए हुए हैं चारों तरफ, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे चारों तरफ खजूर के पेड़ ही आ रहे हैं। इस सबरे पेड़ों पर आप देख रहे हो इस तरफ भी खजूर आए हुए हैं। यहाँ पर किसान है, किसान से भी हम बात करके देखते हैं कि ये खजूर का बाग अपने भारत के अंदर कितने समय से है और खजूर बेचते हैं तो किस जगह बेचते हैं। तो दोस्तों चलते हैं किसान के पास, किसान से माल बात करते हैं, इन खजूरों को तोड़ के किस जगह बेचते हैं। भाई साहब खड़े हुए हैं, भाई साहब आप जो खजूरों को कब से कर रहे हो? हाँ। आपको कितना टाइम हो गया इस खजूरों को संभालते हुए? हमें 4 साल हो गए। आपको 4 साल, उससे पहले आपके पापा संभाल रहे थे। तो भाई साहब इन खजूरों को तोड़ के किस जगह बेचते हो आप? वहीं बेचते हैं मंदिर की जगह। मंदिर के पास? पास में। अच्छा, मंदिर के पास किस जगह पे बेचते हो और कब किस समय में बेचते हो? वो सामान लगते हैं, सामान लगते हैं उस टाइम बेचते हो? इस टाइम। अच्छा, तो हाँ। किस जगह पे तो मंदिर किस चीज का है? वो मंदिर काली मंदिर है और कहते हैं वैसे हनुमान जी लगी, मूर्ति लगी। अच्छा, एक काली मंदिर भी है, हनुमान जी का भी मंदिर है और इस जगह होली जी के टाइम पर ही सावन के टाइम पे इन खजूरों को तोड़कर बेचा जाता है। जैसे दोस्तों आप देख रहे हो मेरे पीछे खजूर है और मौसम भी खराब हो चुका है, बारिश भी आ रही है। एक मेरे साथ जो मेरा दोस्त आया हुआ था भूरा जो खड़ा हुआ, हम दो बंदे आए हुए थे यहाँ उज्जैनी किसी काम से, उसके बाद लौटते में हमें ये बाग दिखा था खजूरों का। तो हमने भैया से जो इसके मालिक हैं बाघों के खजूर के पेड़ों के, तो हमने उनसे मालूम करा था कि किस जगह बेचते हो। तो वो एक काली बादल बहुत तेज घुसा दोस्तों, इस टाइम काफ़ी डर सा बैठ गया अंदर और यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से बारिश हुई है। अभी आप देख रहे हो मेरे पीछे चारों तरफ खजूर के पेड़ आए हुए हैं और सबरे पेड़ों पर खजूर आए हुए हैं। और जैसे दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर भी बारिश हुई है, गाड़ी भी भीग रही है, मैं भी, मेरी हालत देख रहे हो आप, मैं भी भीगा हुआ हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा समय यहाँ ज़्यादा बर्बाद ना करने की वजह से हम निकलते हैं अब।